हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को गणगौर तीज मनाई जाती है। इस बार गणगौर तीज का व्रत 4 अप्रैल 2022 सोमवार यानी आज मनाया गया। हिंदू धर्म में गणगौर पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। खासकर गणगौर तीज का व्रत मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर तीज पर व्रत पूजन के साथ समापन होता है। विवाहित महिला अपने पति की लंबी आयु एवं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं, जबकि विवाह योग्य कन्याएं मनपसंद वर या जीवन साथी की कामना से गणगौर तीज व्रत रखती है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में विशेषतः यह बंजारा समुदाय द्वारा गणगौर तीज का जो त्यौहार है यह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हमने कवरेज किया है कोकड़ेश्वर नगर में जो बंजारा समुदाय निवासरत है उनके द्वारा, साथ ही गांव भागल बुजुर्ग व गांव कड़ी खुर्द के बंजारा समुदाय द्वारा भगवान श्री महादेव व पार्वती के इस भव्य त्यौहार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। मिट्टी से बने हुए भगवान महादेव व पार्वती को नगर भ्रमण हेतु ले जाया गया, जहां पे डीजे के साथ में सभी ने सामूहिक नृत्य किया व घर घर पर भगवान महादेव व पार्वती की पूजा अर्चना की गई। इसी तारतम्य में गांव खड़ी खुर्द के पटेल बसंतीलाल गुजर द्वारा भी उनके निज निवास पर भगवान की पूजा की। आपसे अनुरोध है कि आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।